अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 8th इंग्लिश वीक क्लास। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। जो आज हम यूनिट नंबर 20 स्टार्ट करेंगे, व्हिच इज सेंटेंस कंस्ट्रक्शन एंड सिंथेसिस। ठीक है, सेंटेंस मीन सेंटेंस सीक्वेंस। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अर्लियर चैप्टर्स वी लर्न इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, सेंटेंसेस के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंसेस की टाइप्स कौन कौन सी होती है। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे सेंटेंस में भी डिफाइंड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स एंड वर्ड ग्रुप्स सच एज फ्रेजेस एंड क्लासेस अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर सो एज टू मेक अ स्टेटमेंट, आस्क अ क्वेश्चन, अटर एन एक्सक्लेमेशन और एक्सप्रेस अ कमांड रिक्वेस्ट। ठीक है, सेंटेंस की आपको यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है, तो ये आप लोगों ने रीड आउट कर लेनी है कि सेंटेंसेस कहते हैं। सेंटेंसेस वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ठीक है, जो कि डिफरेंट वर्ड्स का वो प्रॉपर एक कम्बिनेशन होता है। ठीक है, जो डिफरेंट अरेंजमेंट के साथ होता है, ठीक है, और अपने एक प्रॉपर मीनिंग देता है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन जो है ये आप लोगों ने रीड आउट कर लेनी है। देखते हैं, द सेंटेंस प्लेज अ सेंट्रल रोल इन क्लियर एंड इफेक्टिव रिटन एक्सप्रेशन। इफेक्टिव राइटिंग इम्प्लाइज अ बैलेंस्ड रेंज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, शॉर्ट सिंपल सेंटेंसेस एज वेल एज मोर सोफिस्टिकेटेड कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स वंस। ठीक है, कि जो हमारे पास कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं, उनकी वजह से जो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बनता है। तो आपको पता है कि इंग्लिश राइटिंग में भी डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं। ठीक है, कि आप किस तरह से, अगर आप सिंपल राइटिंग में, ठीक है, कुछ भी लिख रहे हैं, सिंपल राइटिंग यूज़ कर रहे हैं, उसमें आप लोग सिंपल सेंटेंसेस यूज़ करते हैं। ठीक है, मोस्टली आपके सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, जैसे ग्रेड 2-3 में आपको ऐसे राइट करवाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक द टॉपिक इज माई टेबल। ठीक है, तो आप उसमें क्या लिखते हैं, इट इज़ अ टेबल, इट इज़ माई टेबल। ठीक है, इस तरह से वो आपके सिंपल सेंटेंसेस यूज होते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप लोग जो है वो नेक्स्ट ग्रेड्स में जाते हैं, वैसे वैसे आपके सेंटेंसेस जो है वो ज़्यादा वास्ट होते जाते हैं। ठीक है, और उसमें आप क्या करते हैं कि कंपाउंड सेंटेंसेस, ठीक है, कंपाउंड जो टेक्सचर होता है वो यूज करते हैं, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की डोन में भी, ठीक है, वो आप लोग पहले पढ़ चुके हैं कंपाउंड सेंटेंसेस कौन से होते हैं और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कौन से होते हैं, वो वहाँ से आप लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को दोबारा रिवाइज कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है सेंटेंस फ्रैगमेंट। सेंटेंस फ्रैगमेंट यानी सेंटेंस सीक्वेंस क्या होना चाहिए। रीड दी सेंटेंसेस, इट लुक लाइक वी वर इन फॉर बैड वेदर। ठीक है, स्टॉर्मी मीन्स दो देयर वाज नो थंडर और लाइटनिंग येट, द फर्स्ट सेंटेंस कैन स्टैंड इंडिपेंडेंटली। ठीक है, यानी वो अपने मीनिंग जो है वो खुद से कन्वे कर रहा है। इट इज अ कंप्लीट सेंटेंस, हाउएवर द सेकंड एंड थर्ड सेंटेंसेस आर नॉट रियल सेंटेंसेस, वन इज अ मियर फ्रेज and the other is a dependent clause. ठीक है, यानी आपने dependent clause और independent clauses भी आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, कि जो अपने meaning खुद से convey कर रहा होता है, ठीक है, वो हमारे पास independent clause होता है, जो जहाँ पे first sentence में है, और जो अपने meaning खुद convey नहीं करता वो independent clause होता है। ठीक है, next देखिए, one is a mere phrase and the other are dependent clause, such as phrases and independent clauses cannot qualify as sentences. Since they cannot stand alone and do not express a complete idea, they are a part of a sentence, are known as a sentence fragments. ठीक है, यानी जो हमारे पास dependent clause होते हैं, जो अपनी meaning खुद से convey नहीं कर सकते, वो हमारे पास sentence fragments कहलाते हैं। ठीक है, next definition दी गई है, sentence fragment is a group of words that does not express a complete idea and cannot make sense on its own. It is usually an incomplete idea, sometimes consisting only of a dependent clause. To complete it, additional information needs to be added. ठीक है, यानी sentence fragment कौन सा होता है जो कि complete अपने idea जो है वो उसमें express नहीं करता। ठीक है, उसकी complete हमें meaning जो है वो नहीं पता चलते। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, टाइप्स ऑफ सेंटेंस फ्रेगमेंट्स एरर इन राइटिंग। ठीक है, एरर कौन कौन सी होती है हमारे पास, केयरलेस फ्रेगमेंट एरर, केयरलेस फ्रेगमेंट एरर होती है। एक हमारे पास वर्बल फ्रेज फ्रेगमेंट एरर होती है, प्रेपोजिशनल फ्रेज फ्रेगमेंट एरर है, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज फ्रेगमेंट एरर एंड एब्सोल्यूट फ्रेज फ्रेगमेंट एरर। ठीक है, अब फर्स्ट जो एरर है, केयरलेस फ्रेगमेंट एरर, दिस अकर्स व्हेन द राइटर इज केयरलेस आर इन टू टच ऑफ अ हरी टू राइट टू कंप्लीट अ सेंटेंस। ठीक है, यानी जब आप कोई भी राइटर जो है वो बहुत जल्दी में, ठीक है, कुछ भी रिटर्न वर्क करता है, तो उसमें हमारे पास केयरलेस वो फ्रेगमेंट एरर होती है। ठीक है, यानी जो अनकॉन्शियसली हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आई नीड टू बाय अ न्यू कार, एनी
मॉडल, ठीक है। अब इसकी जो इसके जो प्रेसिडेंट होगा वो क्या होगा, आई नीड टू बाय अ न्यू कार, एनी मॉडल वुड सूट मी, ठीक है। तो ये इसका कंप्लीट सेगमेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए वर्बल फ्रेज सेगमेंट है, शी वेंट टू अमेरिका टू कंटिन्यू हर हायर एजुकेशन, ठीक है। टू कंटिन्यू हर हायर एजुकेशन, इसको जब हम करेक्ट सेगमेंट में राइट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, शी वेंट टू अमेरिका टू कंटिन्यू हर हायर एजुकेशन, ठीक है। तो इसका फ्रेगमेंट है यहाँ पे चेंज हो जाएगा, हम इसको एक ही सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रेपोजिशनल, अब इसमें क्या होगा, प्रेपोजिशन की मिस्टेक है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सबऑर्डिनेट क्लास में ही फेल्ड इन हिज स्कूल लीविंग एग्जामिनेशन डिस्पाइट हिज डेडिकेटेड एफर्ट्स, ठीक है। अब इसमें इसकी करेक्ट क्या होगी, जब हम इसको रीअरेंज करेंगे सबऑर्डिनेट क्लास जो है वो फ्रेगमेंट एरर हम हटाएंगे तो क्या होगा, डिस्पाइट हिज डेडिकेटेड एफर्ट्स ही फेल्ड इन हिज स्कूल लीविंग एग्जामिनेशन, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास एब्सोल्यूट फ्रेज फ्रेगमेंट एरर्स भी दी हुई है, Mary waited nervously outside the principal's office, her legs trembling. ठीक है, अब इसमें इसकी correct जो हमारे पास fragment होगी वो क्या होगी, her legs trembling. Mary waited nervously outside the principal's office. ठीक है, next देखिए when is it permissible to use sentence fragments? Sentence fragments जो है वो हम use कब करते हैं? The use of sentence fragments has been popularized by professional writers and journalists in order to be considered cool and catchy. Advertising copywriters use short, snappy slogans in the form of sentence fragments to attract attention. ठीक है, यानी ये जो fragments होते हैं ये basically जो novelists होते हैं, ठीक है, जो journalists होते हैं या जो professional writers होते हैं वो इस जो है ना वो style को adopt करते हैं, ठीक है, वो इस style को use करते हैं. नेक्स्ट देखिए हमारे पास एक्सरसाइज ए दी हुई है, इन अ पैराग्राफ गिवन बिलो राइट एस आफ्टर ईच आइटम इफ इट इज अ कंप्लीट सेंटेंस एंड एफ इफ इट इज अ सेंटेंस फ्रैगमेंट, ठीक है। यानी सेंटेंस फ्रैगमेंट आप अगेन माइंड में रखते हैं कि सेंटेंस फ्रैगमेंट कौन सी होगी जिसमें आपके पास प्रॉपरली जो है वो मीनिंग जो कोई आइडिया आपको कन्वे नहीं किया जाएगा जो आपके पास डिपेंडेंट क्लास होगा, ठीक है। अब इसमें देखिए एक्सरसाइज ए है, बाबर बॉट सम स्टेशनरी आइटम्स फ्रॉम द स्टोर, ये हमारे पास क्या है, इट इज बेसिकली अ कंप्लीट सेंटेंस, तो आप यहाँ पे एस राइट करेंगे, पेंस एंड पेंसिल्स, इट इज अ फ्रैगमेंट, इट इज नॉट अ सेंटेंस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सी है, आल्सो रेजर्स, इट इज आल्सो अ फ्रैगमेंट, यू विल राइट एफ फॉर इट, ही डिडंट हैव इनफ मनी टू पे फॉर देम, it is a sentence, so you will write s in front of the sentence. Next day he felt really embarrassed, it is also a sentence. Couldn't speak clearly, it is a fragment. Stammered and stuttered in shame, it is also a fragment. ठीक है, next हमारे पास he was reassured by the shopkeepers, it is also a sentence. Told him to pay him later. It is also a fragment. I really appreciate this. Barber told him it is a sentence. ठीक है, तो आपको आप लोगों ने इसको इस तरह से write कर लेना है. Next topic है हमारे पास how to break sentences fragment. ठीक है, sentences fragment हम इस तरह से correct कर सकते हैं या फिर different methods दिए गए हैं या फिर उन्हें study कर लेना है. Next हमारे पास है we write a paragraph given below making whatever adjustment should be necessary to remove sentence fragments without changing the meaning of the paragraph. ठीक है, आप लोगों ने यहाँ पे एक रफ पेज जो है वो यहाँ पे पेस्ट कर लेना है, ठीक है, और उसमें पेंसिल से आप लोगों ने ये खुद से रीराइट करना है, ठीक है. अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हुई तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है. उसके बाद जब आपको करेक्शन करवाई जाएगी आपकी क्लासेस स्टार्ट होगी तो अगेन हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है. नेक्स्ट देखिए, देयर आर नॉन सेंटेंसेस, there are non sentences kya hote hain, read the following sentences, the boy begged his father to forgive him, his father punished him severely, theek hai. Next sentence hai, he doesn't like mangoes, he also doesn't enjoy eating apples, theek hai, ye run on sentences hai. Each of the sentences is made up of two independent clauses, theek hai. Ab isme ye clauses ka concept aapne mind mein rakhna hai ki sentence mein kya hota hai, do independent clauses hote hain, the independent clauses have been combined to form one single sentence, however
However, they have been joined together without using a proper joining devices such as a conjunction. Okay. Next, clarity is affected because the reader of a run-on sentence is unable to tell where verb full, pod ends and the other begins. ठीक है, यानी यहाँ पे इसमें क्या होता है कि दो इंडिपेंडेंट क्लास दिए गए होते हैं, लेकिन ये जो है वो क्लैरिफाई करना होता है कि कहाँ पे हमारे पास एक सेंटेंस एंड होता है और एक सेंटेंस स्टार्ट होता है. एरर इन सेंटेंसेस कंस्ट्रक्शन इज आल्सो नोन एज रन ऑन सेंटेंसेस आर फ्यूज्ड सेंटेंसेस. ठीक है, रन ऑन सेंटेंसेस की डेफिनेशन एक स्टेज पे दी गई है, वो भी हम स्टडी कर लेते हैं. रन ऑन सेंटेंस आल्सो नोन एज अ फ्यूज्ड सेंटेंसेस. It is a sentence in which two or more independent clauses have been combined together without the use of proper punctuation or a legitimate joining device such as a conjunction. ठीक है, run on sentences कौन से होते हैं? ऐसे sentences जिनमें दो या दो से ज्यादा independent clauses use किए जाते हैं, लेकिन वहां पे punctuation use नहीं की जाती. और जब punctuation use नहीं की जाएगी तो वो sentences जो है वो clearly meaning नहीं देंगे. ठीक है, वो वहां पे जो है वो मिसमैच उनका हो जाएगा. तो इस वजह से क्या है कि पंक्चुएशन उनपे जरूरी होती है. ठीक है, फिर आप रन ऑन सेंटेंसेस किस तरह से उनकी एरर जो है वो खत्म कर सकते हैं, ये भी आप लोगों ने मेथड रीड आउट कर लेना है. एक्सरसाइज सी पे आते हैं. एक्सरसाइज सी है हमारे पास बिसाइड ईच ऑफ द सेंटेंसेस गिवन बिलो राइट आरओ. आरओ स्टैंड फॉर रन ऑन. ठीक है, इफ द sentence is a run-on sentence and nr if it is not. ठीक है, nr आप कब लिखेंगे जब आपका sentence जो है वो not run-on होगा. ठीक है, first sentence हमारे पास it was raining heavily, they had to run for shelter. It is a run-on sentence क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दोनों independent clauses हैं, but उसमें punctuation जो है वो used की गई है. Next है as he was not suitably qualified, he could not get the job. ठीक है, ये हमारे पास not run sentence है, इसमें हमारे पास not use किया गया. ठीक है, the principal congratulated my class, we had won the inter-class debate. It is also a run-on sentence. Next भी हमारे पास run-on sentence है. Next है number 5 students, it is also a run-on sentence. And number 6 है, he has not been to America, nor has he been to Europe. ये हमारे पास not run. Then हमारे पास टॉपिक दिया गया है द कॉमा सप्लाइज. ठीक है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. अ कॉमा सप्लाइज सेंटेंस इज वन इन व्हिच टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैव बीन लिंक्ड टुगेदर विद अ कॉमा रादर देन अ प्रॉपर जॉइनिंग डिवाइस सच एज कंजक्शन. ठीक है, आपको पता है कि कंजक्शन हम दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम कंजक्शन यूज नहीं करेंगे बल्कि हम कॉमा यूज करेंगे. और जब हम जो है वो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करने के लिए कंजक्शन की बजाय जब हम कॉमा यूज करेंगे तो हमारे पास क्या कहलाएगा? कॉमा सप्लाइज कहलाएगा. ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल्स दी गई हैं. एग्जांपल्स देख लेते हैं. इट्स रेनिंग हैवीली, द स्ट्रीट्स आर फ्लडेड. इट इज अ कॉमा सप्लाइज. इट्स रेनिंग हैवीली, द स्ट्रीट्स आर फ्लडेड. अब यहाँ पे ये रन ऑन सेंटेंस. ठीक है, नेक्स्ट है हाउ डू वी फिक्स अ कॉमन सप्लायर्स, ये भी आप लोगों ने स्टडी कर लेना है. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लेट्स रिमेंबर एक्सरसाइज दी गई है जो कि आप लोगों की स्किप है, वो आप लोगों ने नहीं करनी. ठीक है, जहाँ तक भी आज हमने पढ़ा है कि आप लोगों ने अच्छे से स्टडी कर लेना है, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है. जस्ट जो है वो कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, डिफरेंट टर्म चूज की गई हैं, तो आप लोगों ने इसको अच्छे से रीड आउट करना है. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.